सबसे पहले आपने घबराना नहीं है सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और ये इतनी सही बात है कि लोग घबराते हैं आई वर्क विद कम्प्लीटली नॉन पाकिस्तानी कलीग्स हमें अगर कोई कहते हैं यू गो बैक होम

वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन हम शादी क्यों करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि और में नहीं होंगे? मुझे ये नज़र आता है जबकि जो लोग जब लो नहीं करते वो शुरू में बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं लेकिन उसके बाद खिला शुरू होता है क्या पाकिस्तान की औरत इस बात का इतराफ करूँगी की पाकिस्तान में खातन के साथ मसायल है मैं खुद अपने आप को बुरा समझती हूँ अगर मैंने दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने आप को नहीं किया हुआ वर्क प्लेस का इन्वयरमेंट कम कॉम्प्लिकेटेड और प्रॉब्लमेटिक तो नहीं होता ससुरालों से कम नहीं होता आप अपने आप को एम्पावर्ड वुमेन कब कहती हैं या सक्सेसफुल वुमेन कब कहती हैं जब आपको पब्लिक डीलिंग आ जाती आप है ब्रेवली ब्रेवली फेस फेस कर लेती हैं है। करती हाउ टू मैनेज मैन जो फैमिली लाइफ है उसमें भी मसाइल को डील करें ये सपोर्टिव फैमिली सिस्टम हो ओवर कंट्रोलिंग नहीं हो अकेला इंडिविजुअल जो लाइफ है वो मेरे ख्याल में इस्लाम उसको सपोर्ट नहीं करता वो एंटी ह्यूमन है बेसिकली बुजुर्ग जो है उनको थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए इट्स ओके okay. वो भी ट्रांसेशन में है लाइफ के नए लोग आ रहे हैं वो चीज़ों को लेना चाह करने दें पढ़े लिखे जो लोग लड़ते हैं ना वो लड़ते नहीं हैं वो बात करना छोड़ देते हैं उन्होंने एक दूसरे से कोई बदतमीजी नहीं की लेकिन वो बात ही नहीं करते एक दूसरे से बाप और बेटी की लड़ाई तो नहीं होती लेकिन वो बात ही नहीं करते एक दूसरे से माँ बहू से बात ही नहीं कर रही है पेरेंटिंग का एक क्वेश्चन है हम लोग बच्चों को मॉन्स्टर बना देते हैं कि वो उतना तो ख़राब है ये तो नौजवान है तो एंग्री है बदतमीज़ है वो एक बच्चा है बच्चे माँ से अटैच होते थे क्यों मोहब्बत और ताल्लुक़ और बॉन्डिंग माँ देती थी तो आज कुछ चेंज नहीं हुआ माएँ मसरूफ़ हो गई हैं माओं के पास टाइम नहीं है वो भी बहुत खुशी फील करती हैं कि अभी मेरा बच्चा कराटे में जा रहा है अब सॉकर में जा रहा है अब ये वाला ये वाला और वो माँ और बच्चे का टाइम था वो गाँग गया कभी ऐसा हुआ है आपको लगता है कि नहीं ओके आई लव दिस क्वेश्चन बाय द वे एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थैंक यू फॉर आस्किंग दैट मेरी तो घर में भी इज्जत नहीं आप रहे हैं तो मेरे बच्चे कहते हैं नहीं नहीं मम्मा हमें हमें आपकी इज्जत है तो ऑस्ट्रेलिया वाले मुझसे नाराज नहीं हूं लेकिन पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है ऑस्ट्रेलिया के बनने इस अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू असद इसजाज पॉडकास्ट और आज मेरे साथ डॉक्टर जवेरिया सईद मौजूद हैं पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम असल अस्सलाम क्या हाल है कैसी तबीयत है अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं सर अल्लाह का शुक्र डॉक्टर जवेरिया एक अरसे पाकिस्तान से बाहर हैं कैनाडा ऑस्ट्रेलिया मख्तल जगहों के ऊपर क्या कर रही हैं आजकल और इनके मज़े मज़े की चीज़ें जो फेसबुक के ऊपर आती रहती हैं वो पॉडकास्ट में पहली दफ़ा शायद आ रही हैं तो डॉक्टर साहिबा थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ कराइएगा कि आपका कैसा लाइफ जर्नी रहा और आपने क्या क्या किया है मेरा ताल कराची से है मैंने अपनी स्कूलिंग कॉलेज और अपना मेडिकल स्कूल कराची से ही किया सिंध मेडिकल कॉलेज से हाउस जॉब भी यहीं से किया और कुछ अर्से अपनी पोस्ट ग्रेजुएट सकाइट्री ट्रेनिंग भी कराची से की अलबत्त शादी हो गई तो कैनाडा मूव हो गई वहाँ पे अपने एग्जाम्स लिखे कुछ अर्से वहाँ पर फैमिली मेडिसिन में प्रैक्टिस किया और कुछ मैंटल हेल्थ का काम भी वहाँ किया लेकिन अब मैं कुछ अर्से से ऑस्ट्रेलिया में हूँ और सकाइट्री में काम कर रही हूँ एज ए सकाइट्रेस इन अ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल तो ये मेरा एजुकेशनल प्रोफेशनल जर्नी है इसके अलावा जब मैं स्टूडेंट लाइफ में इस्लामी जमीतः तलबात से वाबस्ता थी तो एक बहुत ही प्रोडक्टिव और एक्टिव यूथ लाइफ गुजारी है और उसके बाद कैनेडा में इस्लामिक सर्कल ऑफ़ नॉर्थ अमेरिका आ, के से वास्ता रहे यूर आप इस्लामिक सर्कल ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से वाबस्ता हूँ जहाँ पर हमारे काम और आन की दावत देना तरबिया करना पर्सनल डेवलपमेंट लेकिन एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गैर मुस्लिमों तक दावत पहुँचाना इसी तरह ऐसा सोशल वर्क करना जो, जो कि हमें लार्जर कम्यूनिटी तक हमारा मैसेज ऑफ पीस एंड चैरिटी जो है वो इन लोगों तक पहुँचाए और मुस्लिम कम्यूनिटी को मोबलाइज करना अपना रोल कम्यूनिटी में अदा करने के लिए तो इस हवाले से कुछ रोल है तो आप कितना ऑफन पाकिस्तान चक्कर लगाती हैं और ये जो ट्रिप है और इससे पहले जो आपके ट्रिप्स रहे कोई डिफरेंस महसूस हुआ आपको यहाँ आके इस दफ़ा मैं चार साल के बाद आई हूँ ठीक है आ, और जो फ़र्क है तो पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बात करते हैं पॉजिटिवली मुझे ये लगा कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कौन सी ऐसी आ, आ, फील्ड है इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में पाकिस्तानियों को नहीं पता हर चीज़ यहाँ पर है और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है हमारी फूड इंडस्ट्री शायद अब तो बाहर तक पहुँच गई है लोग बता रहे हैं उसको इसी तरह लोगों को कंप्यूटर्स आई टी फील्ड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पता हैं और मेरे ख़्याल इंफ्रास्ट्रक्चर के अतबार से भी मैं इस्लामाबाद और लाहौर गई हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें डिवेलप नज़र आई और मुझे कुछ उनके हिस्से ऐसे लगे जो आई थिंक कंपेरेबल हैं टू सिडनी और कनाडा की कुछ चीज़ों से आप कर सकते हैं अलबत्फॉर्चुनेटली जब कराची आए तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि पहले से भी ज़्यादा नीचे आ गया है हमने सड़कें खोद के डाली हुई हैं हमने ब्रिज अच्छे नहीं बनाए बहुत भद्दे किस्म के बनाए हुए हैं और बहुत ही डिसऑर्गेनाइज है जिसकी वजह से मेरे ख़्याल है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस और मायूसी जो है वो लोगों के जब बिहेवियर में आती है वो जुगाड़ निकालने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि ये रूड हैं और बदतमीज़ हैं बींग ए साइकाइट्रिस्ट मैं लोगों के एटीट्यूड के पीछे उसके रीजनस देखती हूँ तो मुझे लगता है कि चूँकि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं और इतने हेल्पलेस और एंग्री हैं तो उसके लिए वो जो कोप अप करने की कोशिश करते हैं वो उनकी रूडनेस में और ट्रस्ट नहीं करना और किसी तरह फ़ायदा उठाने की कोशिश करना वो उसमें झलक रहा है तो ये एक बहुत ज़्यादा नोट मैंने किया एटीट्यूड्स में uh, ये जो लेटली या रिसेंटली अभी चीज़ डेवलप हुई है कि हर कोई ये कहता है यार पाकिस्तान में अब कुछ नहीं रखा पाकिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए तो क्या प्री होते हैं कि मई मैं बाहर बाहर मूव करूं या क्या किन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए देखिए वैसे तो हमेशा से जो लोग बाहर जाते थे तो ज़्यादा बड़ी वजह थी मेरे ख़्याल है कि एजुकेशन के लिए नौजवान तो इसीलिए जाता है हायर एजुकेशन एक बेहतर और दूसरी चीज़ जाहिर है कि स्टेटस भी है जिसके लिए लोग जाते थे कि पैसा आसानी से मिलता है और बड़ा मशहूर है कि डॉलर या पौंड कमाने जाते हैं लेकिन मेरे ख्याल है कि जो मोस्ट रिसेंटली चूँकि एक पॉलिटिकल भी एक डिसरे है पाकिस्तान में क्योस है और अनसर्टनिटी है फ्यूचर के अतबार से सिस्टम्स ख़राब हो गए हैं तो लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर ये समझ रहे हैं कि बस हम यहाँ से निकल जाएंगे तो बस दुनिया आसान हो जाएगी ज़िंदगी आसान हो जाएगी तो भागने का जो एक उनका है Uh, uh, जैसे बिल्कुल मैं इसकी मिसाल ऐसे देती हूँ जब आप दर्द में होते हो तो आप समझते हैं मैं अस्पताल पहुंचा और बस मसला हल लेकिन जब आप अस्पताल पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है अभी और इम्तहान बाकी हैं अभी इन्वेस्टिगेशन हैं डॉक्टर का इंतज़ार करना है दवा मिल भी ज़रूरी नहीं है कि है। आप ठीक हो जाएँ तो बिल्कुल बाहर जाने के बाद फिर वहाँ का एक पूरा सिलसिला शुरू होता है कि आपने अपने आप को प्रूव करना है फिर एक बहुत बड़ा मसला है बहरहाल कि पाकिस्तान से हासिल की हुई तालीम को वहाँ पर रेकगनाइज़ नहीं किया जाता अच्छा, बहुत ज्यादा सिर्फ मेडिकल के शोबे में सिर्फ या? मेडिकल नहीं और जगह ये लाजमी है कि आपको वहाँ से कुछ तालीम हासिल करनी है।, है आपको पढ़ना भी है यूनिवर्सिटी में जाना है कुछ मेजोरिटी के साथ वैस मेजोरिटी खासतौर पर अगर आप हाईली एजुकेटेड थे या आप उस प्रोफेशनल फील्ड में काम करना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए तैयार रह जाएँ कि आपको कई साल लग जाएंगे वहाँ की तालीम हासिल करने वहाँ का प्रोफेशनल तो उस उस दौरान में आपको और जॉब्स भी करनी पड़ेंगी आपको बहुत अरसे तक जॉब लेस होना पड़ेगा आपकी एस सेल्फ इस्टीम मुतासर होगी तो फिर घबराइएगा नहीं कि फिर आप पहले आपने घबराना नहीं है सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और ये इतनी सही बात है कि लोग घबराते हैं जैसे अगर आप कैनेडा के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं तो वेदर एक इतनी बड़ी चीज़ है जिसको यहाँ पे लोग समझते नहीं हैं hmm. आप माइनस फोर्टी माइनस ट्वेंटी एक नॉर्मल चीज़ है सर्दियाँ छः से आठ महीने रहती हैं पूरी जगह डेड हो जाती है um, तो लोगों को सिवियर डिप्रेशन होता है बहुत सारे लोग इस वजह से छोड़ के भागना चाहते हैं कि ये तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते जिन चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड लेते थे एक और चीज़ है जिसको मैं समझती हूँ कि हमने कभी पता ही नहीं था कि वो एग्जिस्ट करती वो है हम नशीनी अपने दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी वो जानने वाला दूध वाला और वह वा सारी जब आप बाहर जाते हैं और सब चीज़ें तो ठीक हो जाती हैं लेकिन ना आपके बच्चे का कोई दोस्त है ना आपके लोग दोस्त हैं या दोस्त हैं उनकी बाउंड्रीज़ हैं वो आपके रिश्तेदार तो नहीं हैं तो फिर इंसान को एक शदीद तौर पे तन्हाई का एहसास होता है सो so, मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ ख़ास तौर पर ख़वाी क्योंकि मर्द तो चले जाते हैं जॉब पर लेकिन ख़्वीन को लगता है यहाँ तो कुछ है ही नहीं पे दादा बहुत तन्हाई का एहसास होता है तो ये सारी चीज़ें जो ख़ास तौर पर शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा होती है इसी तरह सिस्टम को समझना और उसके अंदर अपनी जगह बनाना ये सारे लैंग्वेज के भी मसाइल मैं पर्सनली लैंग्वेज को अहमियत नहीं देती क्योंकि बहरल हमें इस बारे में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इंग्लिश हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है लेकिन उसकी बैरियर की वजह से और चीज़ें क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ़ वर्ड्स या लिंग्विस्टिक्स पे नहीं होती उसका एक कल्चरल कॉन्टेक्सट होता है बात है। को सक करने के तरीक़े वो बहुत टाइम लेता है तो वो बहुत स्ट्रेस प्रोवोकिंग होता है आपको इन चीज़ों के लिए तैयार है ये सारी चीज़ें पहले जहन में हो फिर आप जाएँ ये कितनी बड़ी कॉस्ट है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप सोच के तो यही जाते हैं पढ़ूंगा वापस आ जाऊँगा फिर थोड़ा सा और थोड़ा चेहर कुछ सा जॉब कर ली फिर शादी हो गई फिर बच्चे हो गए बस थोड़ा सा बच्चे की बेसिक स्कूलिंग हो जाए वापस तो ये कितनी बड़ी कॉस्ट है कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं उस इन्वायरमेंट से जो कि जिसको कहते हैं आपकी वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं है तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या जहन में होना चाहिए बाहर जाते हुए मैं ये कहूँगी कि डिफरेंस बहुत बड़ा है जो लोग इसको अंडरस्टिमेट करते हैं वो मेरा ख्याल है कि वो सच बात नहीं कहते और ख़ास तौर पर ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके अपने रिलीज़स वैल्यूज़ हैं क्या देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए रिलीजन की कोई इतनी अहमियत नहीं है बस ठीक है अब नमाज़ पढ़ ली बस अल्लाह को मान लिया इससे ज़्यादा उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है वो नहीं उनको शायद वहाँ जाके इतनी चीज़ें नहीं लगती लेकिन जिसके लिए भी नमाज रोज़ा से ज़्यादा कोई चीज़ की अहमियत है खाने में पीने में मिलने में ख़्यालत में उसको वहाँ जाके बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है बल्कि नमाज रोज़ा भी क्वेश्चन हो जाता है कि hmm. अब आदत आप आदत की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकेंगे बहरहाल आप आदत की वजह सिर्फ इसलिए कि हलाल अवेलेबल है इसलिए आपको हलाल मिल जाएगा यू हैव टू एक्चुअली अर्न फॉर एवरी थिंग हलाल खाने के लिए भी अर्न करना पड़ेगा हलाल रिलेशनशिप के लिए हलाल कमाने के लिए सो so ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और अब जो रिसेंट चेंजेज़ हैं वो बहुत स्टार्क हैं आप लोग सुन रहे होंगे जेंडर आइडेंटिटी के अतबार से ये बहुत कॉमन है बहुत छोटे स्कूलों में बच्चों को सेम सेक्स और जेंडर uh, आइडेंटिटी के मैं ये हूं मैं नॉन बाइनरी हूं आई एम नॉट अ मैन आई एम अ वूमेन ये बहुत uh, चार पांच साल ग्रेड फोर ग्रेड थ्री से ये चीजें स्टार्ट हो गई बहुत छोटी एज से ग्रेड वन और टू से टू द एक्सटेंट के पेरेंट्स आर फीलिंग हेल्पलेस कि अब हमें करना क्या चाहिए और वहाँ पर लोग खड़े हो गए हैं इसके ख़िलाफ़ इसी तरह जब आप बहुत अच्छा भी आप बच्चे को पढ़ा लें लेकिन जब वो टीन्स में आता है तो वो बाकायदा आपकी बुनियादी तस्वर को चैलेंज करता है क्वेश्चन करता है कि खुदा को रसूल को सल वसम को आखिरत को और वाई दिस अनवाट मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका कोई हल नहीं है लेकिन पेरेंट्स को इसके बारे में बहुत अवेयर होके जाना चाहिए और उनको फिर चूँकि तरबियत के जो और जरा पाकिस्तान में मौजूद माहौल रिश्तेदार पड़ोसी टीचर मस्जिद वो अब वहाँ नहीं हैं तो आप ये सोच के जाएँगे ये सब कुछ आपने ख़ुद करना है तो अगर आप इतनी मेहनत के लिए तैयार हैं और वहाँ जाके अपने आप को कनेक्ट करते हैं बच्चे को तो फिर तो ठीक है वरना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे पेरेंट्स को दिखाने के लिए मस्जिद भी जा रहे हैं मिल भी रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल अंदर से खुदा रसूल वसलम से दूर भी हैं और उनको रिलीजस वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगती और फिर उनकी अपनी ज़िंदगी लॉस्ट जेनरेश हैं दिस इज़ ए रियालिटी कि वहाँ जाके लॉस्ट जनरेशन जो अपने आपको मुसलमान कहती भी नहीं है और समझती भी अच्छा, नहीं अच्छा एक आर्ग्यूमेंट इसमें यह दिया जाता है कि भाई यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में और यहाँ पर भी तो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं तो आप ये सब अच्छा वाले रागल आपना छोड़ दें कि पाकिस्तान में सब अच्छा है और हमें पता है कैसे डील करना है तो वो शायद अभी तो हो जाता है लेकिन बाद में क्या उनकी ये सोच ठीक रहे ठीक तरह सोच रहे हैं वो लोग जो बाद में उनको पता लगे या वो अभी कुछ गलती कर रहे हैं जिसको आप कहती हैं कि नहीं है कुछ मैं ये समझती हूँ कि ये कहना गलत है कि सब ठीक है और हमें पता है कैसे डील करना ये कहना गलत है चैलेंजेस इतने ज़बरदस्त हैं इतने बड़े बड़े हैं कि जो वो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी उनको अभी समझना मुश्किल है लाइक आई वर्क विद कंप्लीटली नॉन पाकिस्तानी कलिग्स uh, जो कि और वो प्रोफेसर्स हैं जो वहाँ पे पच्चीस साल से चाइल्ड एंड यूथ में काम करें और वो भी कह रहे हैं कि जेनरेशन डिफरेंट है इसके इश्यूज़ डिफरेंट है वी डोंट नो हाउ टू एड्रेस इट तो ये बिल्कुल क्लोज सर्कल्स में हम लोग ऐसी बातें है करते हैं तो ये समझना कि सब कुछ खुद हो जाएगा ये तो गलत है अलबतः मैं ये नहीं कहती कि हाँ फिर इसका मतलब ये कि नहीं जाएँ या नहीं mm -hmm. करें मतलब सिर्फ़ ये कि अवेयर रह के जाएँ मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और ज़्यादा जो प्रॉब्लम है कि देखें जो दो तरह के लोग हैं एक वो लोग जिनको पहले से इस बात का पता है कि हमारा जो मज़हब है हमारी जो इकदार है वो हमारे लिए अहम है चाहे मैं पाकिस्तान में रहूँ मुझे मेहनत करनी पड़ेगी बाहर जाऊँगे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनाने के लिए अपने आप को कनेक्ट और अपने बच्चों को करने के लिए तो जो ऐसे लोग वहाँ जाते हैं अलहमदल्ला वो वहाँ पर कम्यूनिटी को दे रहे हैं मसाज बना रहे हैं काम कर रहे हैं उनके बच्चे बेहतर हैं लेकिन एक जो दूसरा तबका है जो मेरे ख्याल में वास्तव मेजोरिटी ऑफ पीपल है, है ठीक। जो कि जा ही सिर्फ कमाने और स्टेटस के लिए वो वहाँ जाते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है चीज़ें अच्छी हैं बच्चों को जो चाहे दो पैसा जहाँ से आ रहा है एक घर नहीं ज़्यादा घर एक गाड़ी नहीं ज़्यादा गाड़ियाँ बच्चों को टेक्नोलॉजी दे दो तो उनको फिर मसले होते हैं जब बच्चे टीन होते हैं और ये सारी चीज़ें तो मैं ये समझती हूँ कि अप्रोच ये है कि जिन चीज़ों को आप अहम नहीं समझते उनको समझें मेहनत करें पाकिस्तान में मेहनत करें सऊदी अरब में मेहनत करनी पड़ेगी आज बच्चे के साथ आपको कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में भी मेहनत करनी पड़ेगी और माँ बाप को खुद पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है उनको ख़ुद बात करनी चाहिए वरना फिर बहुत इश्यूज़ होते हैं आपको वहाँ ऐसे बहुत लोग मिलेंगे बहुत लोग मिलेंगे जो कहते हैं हम वापस जा रहे हैं और बहुत देर में कह रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं जब बच्चा बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुका है और वो कह रहे हैं मैंने आपके साथ नहीं रहना तो so, वो बहुत देर हो गई ये पहले से तैयारी करने की कोशिश करनी चाहिए एक वापस आने में अपनी भी कम्पेटिलिटी का मेरा ख्याल में इशू होता है चाहे बच्चे हों या ना हों मतलब उस एज में छोटे हों खुद भी वापस आके बहुत सारी फैमिलीज होती हैं कि वापस जब वो विजिट पर भी आती हैं ना तो सोच के आती हैं कि यार हम शिफ्ट होने का सोच के आए थे लेकिन यहाँ तो, तो ये मसला है यहाँ तो बिजली गायब हो जाती है यहाँ पे तो पानी गायब हो जाता है यहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है वो एक पूरी लिस्ट होती है जो कि उनको बस वो छुट्टी तक महदूद करके वापस लोग उस पर शिफ्ट हो जाते हैं और उसको मतलब काफ़ी अनफॉर्चुनेट है वो लोग जो कि यहाँ पे हैं इस वक्त पाकिस्तान में लेकिन वो सोचते हैं बाहर जाने का कोशिश भी करते हैं नहीं जा पाते और वो जाते मेजोरिटी में नाइन्टी नाइन्टी परसेंट पाकिस्तानी तो किसी भी तरह बाहर नहीं जा सकता ना वो क्या करें यहाँ पे कि उसकी ज़िंदगी में कम से कम कुछ इतमान है कि हाँ यार नो प्रॉब्लम बाहर नहीं गया सही बात है लेकिन ये जो मैं वहाँ की मुश्किल बता रही हूँ इसका मतलब मैं ये तो नहीं कह रही कि वहाँ नहीं जाए मैं तो खुद वहाँ रह रही हूँ इतने अर्से से सो मैं ये नहीं कह रही मैं कहना ये चाह रही हूं कि देखिए मुश्किल हर जगह है वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी मेहनत आपको हर लिहाज से हर जगह करनी है और मेहनत और तकलीफ और कर्ब जो है उसकी सूरत डिफरेंट हो सकती है लेकिन कर्ब कर्ब होता है आप कहें कि मुझे अपेंडिसाइटिस है मेरा पेन ज़्यादा है और आपको दांत का दर्द है आपका दर्द कम है गलत बात है ना इसी तरह बिजली नहीं होने सड़कें नहीं होने का जो गम है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन अपने बच्चे को बहकता हुआ देखने का गम भी उससे कम नहीं है तो पहले है। तो गम की सूरतें मुख्तफ हो सकती हैं लेकिन उसकी इंटेंसिटी दूसरी बात यह कि मैं कहना यह चाह रही हूँ कि जब आप नहीं जा सकते सो बी एस आइट एज़ वेल, ये जो हेल्पलेसनेस होती है ये गुस्सा होता है ये मायूसी होती है नफ़रत होती है अपने आप से मुआशे से यह इंसान को डिसबल कर देती है यानी मफलूज कर देती है सो so आप लिए ये बात शायद हैरतनाक होगी या दिलचस्प होगी कि इस वक्त दुनिया में नंबर वन डिसेबलिंग स्ट्रोक नहीं है माजूरी नहीं है बल्कि माजूरी की सबसे टॉप रीज़न डिप्रेशन है ये बहुत हैरतनाक बात है जबकि आप डिप्रेशन में देखिए कि फ़िजिकली बंदा बिल्कुल ठीक होता है और फिजिकली हो सकता है वो एक एथलीट हो फिज़िकली हो सकता है वो लंबा चौड़ा साढ़े छः फुट का स्ट्रॉन्ग मर्द हो लेकिन वो कम्पलीटली कुछ भी नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो डिप्रेस्ड है यानी हमारी जो मेंटल हेल्थ हमारे ख्याल इस क़दर इंपॉर्टेंट हैं तो अगर आप मुस्तकिल स्टेट में रहेंगे हेल्पलेसनेस एंगर खासतौर पर जब आप जा नहीं सकते तो आप क्या करें तो आप ये सोचिए कि मैं उसी मेहनत को यहाँ करूँ यहाँ के जो रिसोर्सेज़ हैं उसको मैं बनाने की कोशिश करूँ और आगे निकलूँ क्योंकि सक्सेस स्टोरीज यहाँ पर भी हैं तमाम मुश्किल के बावजूद तो मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहूँगी जैसे मैं यहाँ आई हूँ और मैंने देखा जो पॉजिटिव चीज़ें नजर बहुत जगह पर यूथ नज़र आई है वो वो काम कर रही है जो पहले पढ़ा लिखा तबका नहीं करता था जैसे सेल्समैन हैं मॉल्स में काम कर रहे हैं टैक्सी चला रहे हैं बिज़नेसेस चला रहे हैं और ये इतनी खुशगवार हैरत होती है हो सकता है पाकिस्तान में लोग इसको बुरा समझते हैं कि हमें हाँ, वो काम करना पड़े हमें वो काम करना मुझे टैक्सी चलानी कल मैं एक नौजवान के साथ बैठी हुई थी जो टैक्सी चला रहा था और वो सफाइयाँ पेश कर रहा था कि वो टैक्सी क्यों चलाता है वरना तो वो एक शायर है Hmm. लेकिन आप बाहर जाते हैं तो आपको ये तो अच्छा लगता है कि ये सारे काम करने वाले लोग भी एजुकेटेड और अच्छी तरह बात करें तो पाकिस्तान में इसको हम पॉजिटिव चेंज भी तो कह सकते हैं कि जब वो अच्छी तरह बात करते हैं उनके पढ़ा लिखा अंदाज होता है तो ये हमें नजर आता है जो हम बाहर से आते हैं एंड यू आर डेफिनेटली मेकिंग अ डिफरेंस बिलीव इन योर कि ये बहुत अच्छा है बहुत से लोग कारोबार कर रहे हैं और वो कामयाब हैं hmm. एक पॉजिटिव चेंज मुझे पाकिस्तान में नजर आया हमारे जमाने में ये था कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो वरना कुछ नहीं है लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि लोग आई में चले गए हैं मीडिया में चले गए हैं बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वो ज़्यादा बेहतर शायद एक डॉक्टर से लाइफ हैं तो ये सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं और ये देखें कि आप अपने गिवन सिचुएशन में क्या कर सकते हैं अच्छा जो फैमिली सिस्टम हमारा पाकिस्तान में प्रवेलेंट है उसको वेस्ट के जो थोड़ा बहुत फैमिली सिस्टम उनका है उससे आप कंपेरेटिवली कहाँ देखती हैं कि हमारा क्लोज़र टू हमारी इकदार या हमारे मजहब से ज़्यादा करीब है या बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार जो बाहर में है कि छोटी सी फैमिली हो कोई उसके मतलब कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम ना हो वो लोग कहते हैं यार ये ज़्यादा क्लोज़र टू इस्लाम और क्लोज़र टू हमारी ट्रेडिशन है इसको आप कहाँ देखती हैं अच्छा मैं समझती हूँ कि हर चीज़ की तरह फैमिली में भी जो दो एक्सट्रीम्स होती हैं वो गलत होती हैं हम अच्छा और सारे माशरे आपको पता है कि एक जैसे नहीं होते सब बिस्किट्स नहीं होते एक फैक्ट्री तो हर जगह हर चीज है लेकिन हम बात करेंगे कि ओवर वेलमिंग कैसी है सो so, पाकिस्तान में जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वो फैमिली सिस्टम है वहाँ पे इंडिविजुअल सिस्टम है ओवर अदरवाइज़ वो भी फैमिली में रहते हैं सो so, हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रीम है कि इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग ओवर इन्वालमेंट कि ख़ास तौर पे अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ एक यंग जोड़ा है तो उसको एक एक्सप्रेशन ऑफ लव में अपने बच्चों के फैसले करने में अरसा गुजर जाता है वो ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि बच्चे को स्कूल कहाँ करेंगे शादी कहाँ करेंगे उससे देखिए फ्रस्ट्रेशन है उससे घुटन है आप उसको कापट के नीचे नहीं डाल सकते कि नहीं नहीं हमारा फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है वो गलत है वो उसको ठीक होना चाहिए उसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप बाहर में चले जाएं तो वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कम्प्लीटली बिल्कुल इंडिविजुअल सिस्टम है और ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि हम अस्पतालों में जब हम एज़ ए सकाइट्रिस्ट काम करते हैं और हमारे पास कोई फ़र्द आता है कि मैं सुसाइड लूँ या मुझे डिप्रेशन है या मुझे साइकोसिस है तो एक हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमने उसके ये मसले हल करने दूसरा हमारे पास बाकायदा सोशल सर्विस का शोबा होता है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है बहुत सारी जगह पर कि अगर ये बंदा यहाँ से डिस्चार्ज हुआ तो ये कहाँ जाएगा क्योंकि उन्नीस साल की लड़की है वो आ गई और इसका बाप कह रहा है मैं तो अब इसको नहीं रखूंगा सत्रह साल की लड़की है या लड़का है और माँ बाप ने कह रहे हैं हम नहीं रखने को हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा फर्ज ही नहीं है इस बंदे को रखना सो so एक पूरा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है शेल्टर होम्स का और ये और विद इन सिकाइट्री ये चीज़ें बहुत कॉमन डिस्कशन हैं कि हमें लोगों को दो दो हफ्ते तीन तीन हफ्ते चार चार महीने और बाज़त एक्सट्रीम केसेज़ में आठ आठ महीने पाँच पाँच साल हस्पताल में लोग रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई जाने की जगह नहीं है तो आप इसको फॉर ग्रांटेड ले कि इट्स ओके ये बहुत अच्छी बात है कि कम अज़ कम ये वाली फ्रस्ट्रेशन मुझे नहीं है वही दाँत के दर्द और अपेंडिसाइटिस की मिसाल की मुझे कम अज़ कम ओवर इन्वॉलमेंट तो नहीं है तो ये दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं मेरे ख़्याल है जो इस्लाम का सिस्टम है वो दोनों के दरमियान में है कि सपोर्टिव फैमिली सिस्टम हो ओवर कंट्रोलिंग नहीं हो अकेला इंडिविजुअल जो लाइफ है वो मेरे ख्याल में इस्लाम इसको सपोर्ट नहीं करता वो एंटी ह्यूमन है बेसिकली एंटी ह्यूमन है कि घर के अंदर एक दुनिया की कामयाब तरीन औरत खुशकशी इस तरह करती है कि बराबर वाले कमरे में उसका हस्बैंड भी मौजूद है और बेटी और किसी को नहीं पता तो ये सिस्टम तो नहीं है इस्लाम का दरमियान का सिस्टम है सपोर्टिव हो एक दूसरे का ख्याल रखें नौजवान बुज़ुर्गों का बुज़ुर्गों छोटों का ओवर इन्वॉलमेंट नहीं हो कंट्रोलिंग नहीं हो करने दें तो मेरे ख़्याल ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है और इसमें यह है कि बुज़ुर्ग जो है उनको थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए इट्स ओके okay, वो भी ट्रांजेसन में है लाइफ के नए लोग आ रहे हैं वो चीज़ों को लेना चाह रहे हैं करने दें और नौजवानों को मेरा ये है कि आप ये समझें कि बुज़ुर्गों के लिए छोड़ना मुश्किल है और सिर्फ घरों में नहीं है आपको जॉब पे भी पता होगा रिटायरमेंट के वक्त सीट छोड़ना मुश्किल होता है तो वो इस काम को रिस्पेक्टफुली और स्लोली करने की कोशिश करें कि उनको किसी तरह से यानी इस सारे ट्रांजेसन को बेहतर तौर पर अगर हमने डील करने की कोशिश नहीं की तो प्रॉब्लम होगी लेकिन दरमियान का यही है कि सपोर्टिव इन्वामेंट लेकिन मिल के रहने वाला होना चाहिए अच्छा रिसेंटली ये चीज़ ज़्यादा डेवलप भी हो रही है कि फ़्रस्ट्रेशन की वजह से या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के डर की वजह से लड़के भी और लड़कियाँ भी ये कहते हैं यार हम तो अब फाइनेंशली इंडिपेंडेंट हैं कमा रहे हैं तो हमें शादी करने की क्या ज़रूरत है और ये हमारे लिए एक बोझ होगा अच्छा ये समझा जाता है कि सिर्फ लड़कियों का ये प्रॉब्लम है कि वो शादी को इग्नोर कर रहे हैं लड़के भी इवन ये कहते हैं कि यार ज़रा आज़ादी जब तक गुजार लें उतना ज़्यादा बेहतर है दिले करें और फिर उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर क्या आपकी राय है ये बिल्कुल सही बात है ये बहुत बड़ा बढ़ता हुआ इशू है वेस्ट में भी है और यहाँ पर भी है और मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी कि इश्यूज़ हैं जब आप शादी करते हैं चीज़ें लाइफ चेंज हो जाती है बहुत ज़्यादा चेंज होती है और फिर वही जैसे हमने कुछ बातें डिस्कस कहीं कि ओवर इन्वॉलमेंट है ख़वान को ख़ास तौर पर यह लगता है कि जो उनका सेंस ऑफ सेल्फ है वो बर्बाद हो जाता है कि मैं पढ़ रही थी मैं इतनी ब्राइट थी सब कुछ था और कुछ अर्से बाद तो जिंदगी खास तौर पर बच्चे आना नई जगह पे अपने आप को एडजस्ट करना तो वो सेंस ऑफ लॉस होता है कि मैं तो तो वो 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 रही रही ही नहीं खास पे उस वक्त जब वर्किंग वुमेन वाली कैटेगरी बढ़ती जा रही है पहले तो शायद घर पे थी तो फिर भी उनको ये था कि सही है यार कोई ट्रांजेशन है सही बात इन्होंने अब तो मैं कमा रही हूँ लाख दो लाख रुपए मेरे पास आ रहे हैं मंथली मुझे क्या जरूरत है ये भी बात है ये देखिए अब जो एजुकेशन है वो बहुत ही हाईली करियर ओरियंटेड है पहले ये नहीं था पहले आप डॉक्टर बनते थे यू वर ओके टू वाइफ एंड अ मदर लेकिन अब तो आप डे वन से करियर ओरिएटेड भी तो पढ़ाई कर रहे हैं सो इवन इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड वर्किंग लेकिन आपने तो सोचा था ड्रीम्स है प्राइम मिनिस्टर बनने के और एकदम घर आके घर में बच्चों को देखना पड़ा तो ये चीज़ें तो हैं और इसी तरह लड़कों के लिए भी है कि जो मटीरियल और देखें कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है ये हमारे नौजवानों का मसला नहीं है ये सोसाइटी ने क्रिएट किया है कि हाईली कम्पटिटिव है और वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट और टाइम और आपकी एफ़र्ट पूरा मांगता है आज का hmm. चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो वर्क प्लेस हो तो ये रियल मसाइल हैं लेकिन लेट्स जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें तो सिंपल चीज़ के पता वापस आना चाहिए लेट्स आस्क अ वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन हम शादी क्यों करते हैं hmm. हम शादी इसलिए करते हैं रिलेशनशिप के लिए करते hmm. हैं ये एक ऐसी आ, बेसिक नीड है जैसे खाना जैसे कि पीना तो बिल्कुल बेसिक नीड है अगर आप hmm. बेसिक नीड को दबाएंगे जैसे आप खाने को नहीं खाएं और आप बोलें कि मुझे अपना वेट करना है और मुझे दुनिया तो आपको पता है आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं इश्यूज होते हैं कि आप बहुत कामयाब हो लेकिन आप चले जाते हैं प्रॉब्लम्स में बिल्कुल इसी तरह जो एक हस्बैंड वाइफ की नीड है कम्पेनियनशप बुनियादी तौर पर दिस इज़ अबाउट कम्पानियनशिप जिसके लिए इंसान को अल्लाह ने पैदा किया जब आप उसको दबा देंगे किसी भी रीज़न की वजह से तो वो किसी न किसी और ईशूज़ के तौर पर वापस आएगा जैसे फ़र्स्ट कीजिए कि अब रिलेशनशिप का कल्चर चल गया है शादी के नहीं बल्कि रिलेशनशिप तो आप क्या समझते हैं कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड चक्कर में आपको स्ट्रेसेस नहीं होंगे मैं बाहर काम करती हूँ बस मेडिकल डॉक्टर्स स्टूडेंट्स आते हैं कि अपने रिस्ट काट रहे हैं और सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि रिलेशनशिप इशूज हैं क्योंकि वो तो वो कल्चर वो लोग जो ए, ऐसी जगह पर पल के बड़े नहीं हो जहाँ पे फेथफुलनेस रिलेशनशिप में वो वैल्यू रखती हो जो हमारे यहाँ उनके यहाँ भी रिलेशनशिप इतना अहमियत रखता है कि रिलेशनशिप ब्रेक डाउन पे साइकोसिस भी होता है डिप्रेशन भी होता है एनजाइटी सुसाइडल अटैम्प ये बहुत कॉमन है बाहर भी इसका मतलब है कम्पेनियनशिप इंपॉर्टेंट है सो so, मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको अंडर नहीं करें शादी इसी लिए होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मैं लड़कियों को कहती हूँ मर्द भी शादी नहीं वरना मर्द क्यों करता है फिर उसके पास तो बहुत आज़ाद लाइफ है उसको कम्पेनियन चाहिए आपको भी कम्पेनियन चाहिए अलबत् इसका हल मेरे ख़्याल है ये है कि जैसे खातन जब वर्क प्लेस पर होती हैं या मर्द वर्क प्लेस पर होते हैं तो वर्क प्लेस का इन्वामेंट कम कॉम्प्लिकेटेड और प्रॉब्लमेटिक तो नहीं होता ससुरालों से कम नहीं होता वही लेकिन आप अपने आप को एम्पावर्ड वुमेन कब कहती हैं या सक्सेसफुल वुमेन कब कहती हैं जब आपको पब्लिक डीलिंग आ जाती आप है ब्रेवली फेस कर लेती ब्रेवली है। है। फेस करती हैं हाउ टू मैनेज इट सब कुछ तब आपको एक लोग कहते हैं कि आप सक्सेसफुल तो जो फैमिली लाइफ है उसमें भी मसाइल को डील करें कि हम किस तरह और अगर आप अब अब, अब नौजवान असल माशाल्लाह ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ज़्यादा समझदार हैं दुनिया को इमोशनली शायद वो बड़ों से अब इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले से बेहतर हैं लेकिन चूँकि वो आज के माहौल में ज़्यादा बेहतर हैं उनको चैलेंज़स का पता है तो वो मेरे ख्याल चीज़ों को डिस्कस करने की और डील करने की और दोनों लड़का और लड़की जो हैं वो आपस में एक दूसरे को जगह भी दें स्पेस भी दें और घर वालों को डील करें उनको मैनेज करें रिस्पेक्टफुल अंदाज़ में रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये हर जगह इसको पसंद किया जाता है तो उस तरह लेकिन शादी को मत छोड़ें क्योंकि आपको मैं बताऊं कि मैंने ख़ुद भी एक बहुत लंबा अरसा अप्स एंड डाउनस का गुजारा और मैं बहुत सारी ख़वान के साथ काम करती हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि जो लोग शादी किए और जिन्होंने बच्चे किए चाहे वो मर्द हों चाहे औरत और चाहे वो गोरे हों चाहे वो ब्राउन हो पाकिस्तानी हो उनके अंदर एक सेंस ऑफ फुलफ़िलमेंट होती है सुकून होता है कि स्परिचुअल क्योंकि अल्लाह ने एक नीड बनाई है वो जबकि जो लोग नहीं करते वो शुरू में बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं और जाहिर है कि जब आपने एक चीज़ को छोड़ा हुआ तो है तो कॉम्पिटिंग इन्वायरमेंट में ऊपर जाते हैं लेकिन उसके बाद खला शुरू होता है हम अकेले हैं और अब रिलेशनशिप नहीं है और बच्चे हैं मगर साथ नहीं है तो वही वाली बात है कि आप बाद में रिग्रेट करेंगे सो so, सबसे अच्छी चीज़ यह है कि शादी ज़रूर करें उसी लिए करें कंपेनशिप के लिए जिससे आपने किया है और आज के मसाइल को डील करने की कोशिश करें अच्छा ये जो पाकिस्तान में ख़वान है सही है वर्किंग क्लास अब बढ़ रही है लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि हाउस वाइफ्स हैं और वो इसके ऊपर एक पूरी एक मूवमेंट भी चलती है कि जी वी नीड एम्पावर्ड वुमेन और मर्दों के तसलुत से और उससे आज़ाद क्या पाकिस्तान की औरत एम्पावर्ड है नहीं है और क्या वेस्ट की जहाँ पर आप मुख्तलित जगहों के पर रही हैं वहाँ की जो खवीन है जो काम करती हैं जिनको हम यहाँ पर समझते हैं कि वो बहुत फ़्री हैं अपनी डिसीजनस खुद ले सकती हैं बहुत सारी चीज़ें करती हैं वो ज़्यादा अम्पॉर्ड है देखिए सबसे पहले तो मैं ये इस बात का इतराफ़ करूँगी कि पाकिस्तान में ख़ीन के साथ मसाइल हैं तो पर उन खुतान के साथ बहुत सारी खातान की क्योंकि मैं विमेन ईशूज़ डील करती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस के भी मसले हैं वो सब तो मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी और मैं करना भी नहीं चाहती और मैंटल हेल्थ ईशूज़ भी हैं लेकिन जो एम्पावरमेंट का तस्वर है उसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहती हूँ मैं अभी पाकिस्तान आई हूँ दोबारा आई हूँ और मैंने कई गैदरिंग्स ख़वान की अटेंड की हैं तो और मैं बहुत सारी ख़वात से मिली हूँ और मैंने लोगों को सुना है मैंने अपनी तकरीरें कम की हैं लोगों को सुना है सो so, एक जो चीज़ मुझे आई के हमारा जो एम्पावर्मेंट और पाकिस्तानी औरत के दबे हुए होने और मज़लूम होने का तस्वर है उसमें एक तो बाहर का हाथ है कि उन्होंने हमें इस तरह बनाया लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हमारा भी है जिसको हम सेल्फ़ स्टिग्मा कहते हैं हमारी सेल्फ़ इमेज बहुत ख़राब है यानी मैं ख़वान से मिल रही हूँ और वो कहती हैं मैं तो कुछ भी नहीं कर रही तो वो ये कहती हैं कि मैंने तो बस बच्चे पाले हैं और मैं कुछ भी नहीं करती मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और मैं कुछ भी नहीं करती यानी ये इस एक्सटेंट तक है कि खातून मुझसे कहने लगी कि मैं पिछली दफ़ा आप आई थी तो मेरी हिम्मत नहीं हुआ आपसे मिलने के लिए क्योंकि मैं उस वक्त कुछ नहीं कर रही थी मैं घर में बच्चे पाल रही थी अब मैं जॉब कर रही हूँ अब मैं लिख रही हूँ तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है कि मैं आपसे आके मिल सकती हूँ इसका मतलब है ये सेल्फ स्टेक्ट में हमने इंटरनलाइज़ किया है अपने सक्सेसफुल औरत होने के इमेज को मैं खुद अपने आप को बुरा समझती हूँ अगर मैंने दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने आप को नहीं किया हुआ जबकि मैं खुवात से मिल रही हूँ हाईली एजुकेटेड हैं मास्टर्स हैं काम भी कर रही हैं कुछ वो भी कर रही हैं लेकिन अपना सेल्फ इमेज इतना ज़्यादा उनका ख़राब है तो एक तो इसको बेहतर करने की ज़रूरत है ख़ास तौर पर माशाल्लाह कराची लाहौर और यहाँ पर तो बहुत ख़ी जो पढ़ी लिखी भी हैं और मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि आप शायद इलीट से मिलके आ गई हैं मैं इलीट से मिलके नहीं आई हूँ मैंने हर तबके की खातिन से मुलाकात की है और वो भी जो बिल्कुल निचले तबके से ताल्लुक़ रखती हैं जिनके यहाँ मुश्किल हैं आप देखिए ना बसेस में खुतान हैं सेल्स गर्ल्स हैं खातन बहुत सारी जगह पर खातानी काम करी हैं तो मैं हर तरह की बात करी वर्स वेस्ट में यस और फिर सक्सेस का जो तस्वर है औरतें कामयाब हैं इधारों में ऊपर बैठी हैं सब कुछ है लेकिन मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि वहाँ पर औरत को अपने आप को मनवाने के लिए बहुत तेज़ भाग रही है वो अपनी मर्ज़ी से भाग रही है जैसे फ़र्क ये है कि वर्किंग इन्वायरमेंट में मर्द चिल्ड होते हैं और वो कहते हैं अब तीन बज गए मुझे पेशेंट मर्द मुझे अपने टाइम पे जाना है मुझे चार बज रहे हैं ये वो शायद पता नहीं उसके अंदर कौन सा पीस है अल्लाह ताला ने कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मर्द करता है पैनिक ही नहीं होता औरतों को परफेक्शन चाहिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए जैसे घर में भी करती हैं ये खवातीन कि अपने आप को ससुराल के सामने प्रूव करने के लिए दस डिशें बनाती हैं यही काम औरत बाहर भी कर रही है उसकी पाँच बजे ऑफ हो जाती है साढ़े छः और सात बजे की मीटिंग भी अटेंड कर रही है क्योंकि प्रूव करना और जब ऊपर पहुँच गई है लेकिन बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ओवर स्ट्रेसड है और उसके बाद जब अकेले बैठते हैं और शादियाँ भी डिले की हैं पचास साल की हैं और अभी बच्चे छोटे हैं अभी तो वो फिर अकेले बैठ के रो भी रही हैं कि मैं मदर गिल्ट का शिकार है मॉम गिल्ट ये सारी चीज़ें सो so, मैंने वहाँ रह कर आ, कभी ऐसी खातन से इंस्पायर नहीं हुई hmm. मेरी मेरी और वही बात है वैल्यूज़ की बात है एम्पावरमेंट की बात है आ, मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं तो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पाँच क्यों हैं और मेरे एक और दो होते तो मैं आ, वो कर लेती तो मेरे ख़्याल में एक अगेन एक पाकिस्तानी औरत को अपना जो एम्पावरमेंट का तसवर ख़ुद लाना चाहिए हम दोबारा मर्द की बताए हुई चीज़ में क्यों करें कि मेरे ख्याल में मर्द कहे कि मेरे नज़दीक पावरफुल औरत है जो मेरे जैसी हो हु। बच्चे हों सुबह से लेकर रात तक बाहर मेरे तरह साथ ऑफिस में बैठी रहे कोई चीज़ों को वो ना करे तो मैं क्यों बनूँ ऐसी औरत मैं अपने आप को एम्पावर्ड समझती हूँ कि अलमदुल्ला घर भी अच्छा मैनेज करती हूँ मैं बाहर जब जब ज़रूरत हुई जब जब मुझे वक्फा मिला अपने बच्चों से और अपने घर से तब मैं बाहर जाके काम करती रही लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े गैप्स लिए हैं मेरे बच्चे छोटे थे मैं बाहर नहीं जा सकती थी मैं घर बैठती थी और मैं रिग्रेट नहीं करती उस टाइम को क्योंकि अलहमदिल्ला आज जब मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े उनको ये नहीं कि माँ नहीं थी मेरे साथ मौजूद सो मेरा ख्याल है कि इस नेगेटिव सेल्फ इमेज से पाकिस्तान की औरत निकल मेहनत कर रही है वो मैं ये नहीं कह रही कि मुश्किल है और वो कर रही है अपने आप को कॉन्फिडेंटली Uh, समझें अपने अंदर और लोगों तक भी बताएं अच्छा आपने माशाल्लाह बात की कि आपकी फैमिली है माशाल्लाह आपके बच्चे हैं uh, एक चीज़ है जो कि मैं फ़ील करता हूँ कि एक जनरेशन थी जिसने इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया एक जनरेशन थी उसने इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर वो फेसबुक के ऊपर आ गई जो कि हम लोग सब फेसबुक के ऊपर कनेक्टेड होते हैं लेकिन अब जो हमारी दूसरी जनरेशन है नीचे वो फेसबुक पर है ही नहीं हम कहते हैं शायद वो सोशल मीडिया से बाहर है लेकिन अब वो उसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर और स्नैपचैट के ऊपर जो कि शायद उस जनरेशन को जो फेसबुक के ऊपर एक्टिव है उसको चलानी भी नहीं आती या उसके ऊपर बहुत कम्फर्टेबल नहीं है तो ये जो जनरेशन गैप है आप इसको कैसे सॉल्व करती हैं अपने बच्चों के साथ क्योंकि आप भी इसको समझें एक्सपीरियंस कर रही होंगी मैं मैं ये समझू कि जनरेशन गैप हमेशा से था ठीक है हमेशा सही कोई नई चीज़ नहीं है अलबत् येस आज चैलेंजेस बढ़ गए हैं क्योंकि आज तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से आती हैं यानी मेरे बच्चों को वो वाले मोबाइल नोकिया के मोबाइल का नहीं पता क्योंकि क्या चीज़ होती थी सो ये इस कदर या रेडियो और या टेप रिकॉर्डर उनको समझ ही नहीं आ रहा है डिस्क होती किस लिए है सो, सो चीज़ें बहुत बदल गई इसी तरह आइडियोलॉजीज़ में जो कॉन्सेप्ट हैं जेंडर रोल के कॉन्सेप्ट हैं और वो सारी चीज़ें इतनी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल गई हैं तो इसलिए क्योस नज़र ज़्यादा आ रहा है कि वालदेन अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं और बच्चे अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने इसको समझा नहीं सो so मैं ये समझती हूँ कि वालदान को थोड़ा फास्ट होने की ज़रूरत ज़रूर है जानिए अपने बच्चों के साथ टाइम लगाइए बैठिए देखिए पेरेंटिंग का एक क्वेश्चन है हम लोग बच्चों को मॉन्स्टर बना देते हैं कि अच्छा। वो इतना ख़राब है ये तो नौजवान है तो एंग्री है बदतमीज़ है ये है वो एक बच्चा है लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को समझने की कोशिश कर रहा है उसको समझ उसके पास आपका वाला तजर्बा नहीं है उसके पास आपका वाला ठहराव नहीं है तो वो इस तरह उसको एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन वो है बच्चा और मैं फिर कहती हूँ जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो सिंपल पे आना चाहिए माँ बाप की बात बच्चे से बॉन्डिंग उसके साथ टाइम लगाना उसको सुनना उससे प्यार करना उससे हक करना सब मैटर रख करता है आपको नहीं आते कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हल करना आप बच्चे को टाइम दें देखिए पहले भी ऐसा होता था ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि बच्चे माँ से अटैच होते थे जबकि बाप को बाहर के बारे में ज़्यादा पता होता था hmm. अटैच माँ से होते थे क्यों मोहब्बत और ताल्लुक और बॉन्डिंग माँ देती थी तो आज कुछ चेंज नहीं हुआ माएँ मसरूफ़ हो गई हैं माओ hmm. के पास टाइम नहीं है वो भी बहुत खुशी फील करती हैं कि अभी मेरा बच्चा कराटे में जा रहा है अब सॉकर में जा रहा है अब ये वाला ये वाला और वो जो माँ और बच्चे का टाइम था वो कहाँ गया माँ ने जो सिखाना था या जो बाप ने सिखाना था वो कहाँ गया तो जनरेशन गैप को डील करने का बुनियादी तरीका तो यह कि टाइम लगाइए अपने बच्चे के साथ आपको नहीं यार आप उससे पूछ लें दूसरी बात यह कि अपने आप को अपडेट कीजिए अपग्रेड कीजिए नए मसाइल को समझिए और अब ये मुश्किल नहीं है ख़वात के लिए तो बेतहाशा इन्फॉमेसन के जो सेशन होते हैं आज ये क्लास ये कोर्स ये वो कीजिए और मर्दों को भी अटेंड करना चाहिए और बच्चों से बात करें बात करें और उनको सेंस ऑफ प्रोटेक्शन दें वो आपके पास आएंगे टीन एज बच्चा नाइनटीन ईयर्स ओल्ड भी वो घबरा जाता है उसने एक्सीडेंट कर दिया वो घबरा जाता है बाप आए ना उसके साथ उसको लगाए उसको पब्लिक डीलिंग सिखाया कि तुम जाओ तुम ये ख़रीदो ये बेचो मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे बताओ तुमने क्या किया था वो ऑटोमेटिकली वो बॉन्डिंग क्रिएट होगी माँ अपनी बच्ची से पूछे कि क्या हुआ था बेटा हाँ तुम सही कह रही हो ये वो वो बच्ची खुद बॉन्डिंग बच्चा माँ के पास इन्फॉमेशन के लिए नहीं आता प्रोटेक्शन के लिए आता है बाप के पास सपोर्ट के लिए आता है इन्फॉमेसन उसको बाहर से मिले आप वही दें वो दें तो इन ये गैप इस तरह से फिल होगा और बच्चे को अपना तजर्बा ज़रूर बताएं लेकिन उसकी नई इन्फॉर्मेशन को वैल्यू दें बहुत अच्छा बता रहे हो तुम ज़बरदस्ती ये मुझे भी सिखा दो और आपको लगता है मजाक उड़ाते हैं लेकिन बच्चे बड़े खुशी से बताते हैं आपके सामने कहते हैं मामा क्या मुझे आपको मोबाइल बताना है लेकिन वो अपने जब आप उनसे पूछें और मैं अपने बच्चों से बड़े स्ट्रेट क्वेश्चन कहती हूँ ममा हमें अच्छा लगता है हमें बहुत क्यूट लगता है कि आप लोग पूछते हैं तो मेरे ख्याल है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो करने चाहिए अच्छा काफ़ी सारी बातें हो रही हैं और माशाल्लाह आप बहुत ही डिटेल में चीज़ों को बता रही हैं कभी आपको लगा हो कि आप आपके पास होमवर्क बड़ा अच्छा है आपकी बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं लेकिन बाज़ा आपको किसी भी हवाले से सोशल मीडिया या वैसे पर्सनल लाइफ में ऐसी कोई चीज़ आई हो जिसमें आपने कहा कि अपने आप से कि डॉक्टर जवेरी आप दुनिया को तो सेशंस करा रही हैं लेकिन अब जब मुझे मसला फ़ेस हुआ है

मेरी तो घर में भी इज्जत नहीं है आपका हम बुला बुलाने तो मेरे बच्चे कहते हैं नहीं नहीं मम्मा हमें हमें आपकी इज़्ज़त है और ये बच्चे इंसान को इंसाइट होना चाहिए जो रियल ह्यूमन होगा वो ये बार बार सोचेगा सेंस ऑफ फेलियर गिल्ट ये सारी चीज़ें होंगी बहुत दफ़ा ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मैंने जो अपने बच्चे को कुछ भी नहीं दिया मॉम गिल्ट एट इट स्पीच चला जाता है मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैंने तो बहुत ही सब कुछ बर्बाद कर दिया ये हमारे हाथों से निकल गया या करियर के हवाले से लगता है बहुत दफ़ा लगता है लेकिन उसके बाद उसके बाद दोबारा बैठते हैं उसको समझते हैं उससे बात करते हैं डेड एंड ना करें hmm. मैंने जो देखा है लोग कॉम्प्लिकेटेड मसाले से जाते हैं कि सटल से शुरू हुआ था वहाँ पर उसको डील नहीं किया टू द पॉइंट जैसे जो पढ़े लिखे जो लोग लड़ते हैं ना वो लड़ते नहीं हैं hmm. वो बात करना छोड़ देते हैं hmm. पढ़े लिखे रिलेशनशिप में जो लोग जिनकी शादियाँ ख़राब हुई हुई हैं उन्होंने एक दूसरे से कोई बदतमीजी नहीं की लेकिन वो बात ही नहीं करते एक दूसरे से खामोशी hmm. से कोल्ड शोल्डर है जो एक दूसरे को देते हैं जनरेशन गैप बाप और बेटी की लड़ाई तो नहीं होती लेकिन वो बात ही नहीं करते एक दूसरे hmm. से hmm. माँ बहू से बात ही नहीं कर रही है कम्युनिकेशन गैप कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा से था लोग पहले किसी तरह डील कर लेते थे तो रिस्पेक्ट के ब्लैंकेट में अब वो रिस्पेक्ट खत्म हो गई है नीट खत्म हो गई तो बात कर लेते हैं बच्चों से बात करते हैं चीज़ों को देखते हैं अपने आप को बताते हैं मजहब का बड़ा रोल है नू सलाम के बेटे के साथ ये हो तो मैं मैं अपने बच्चे को कंट्रोल तो नहीं कर सकती फिर ये कंट्रोल कि मैं कौन सी परफेक्ट हूँ भाई अगर मेरे बच्चे ने किया मैंने अपने बच्चे को कभी नहीं कहा कि जो तुमने गलती की है ना वो मैंने कभी नहीं की नहीं। मैं बताती हूँ तुम्हें तो पता है ये तो तुम वो कर रहे हो जो मैंने भी किया था एंड दिस इज हाउ आई आइडल्ट तो मेरे बच्चों ने को कभी उन्होंने नहीं सुना कि उनकी अम्मा अब्बा परफेक्ट थे मैंने कहा तुमने एक्सीडेंट किया है कल तुम्हारे अब्बा भी एक्सीडेंट करके आए थे और तुम वही कर रहे हो या तुम जितने लेजी हो यू आर एग्जैक्टली लाइक मी मैं तुम्हारी तरह लेजी थी नहीं। तो बच्चे ज्यादा क्लोज तो है आप क्यों होंगी? आ, लेकिन इसको डील करें नहीं बच्चे क्लोज फील करते हैं आप हमेशा याद रखिए कि, कि वैलिडेशन से लोग खुश होते हैं सेफ फील करते हैं कि आप उनको कुछ जब वो ये कहते हैं ये ये मेरी तरह मगर ये तो आज सक्सेसफुल है सो हाउ डू वी डी दैट सो इसी तरह पाकिस्तान आए गंदा है हाँ अगर गंदा है तो Uh, साफ इंसान वो नहीं होता जो कहता है गंदा है साफ इंसान वो होता है जो गंदगी को साफ करता है सो hmm. so hmm. ये मैंने अपने बच्चे को हमेशा कहता हूँ गंदा है मैं वॉशरूम गो एंड वॉश इट सो गो एंड वॉश योर क्लोथ ठीक है डू द डिशेज क्लीन हो जाएगा सो दिस इज हाउ वी डील विद इट बिल्कुल इसी तरह के बहुत सेंस ऑफ फेलियर होता है बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और एक मुसलमान होने के नाते तो ये आना ही नहीं चाहिए ख्याल कि मैं ठीक हूँ मुझे तो ये भी समझ में तो, नहीं। बिल्कुल नहीं लोग मुझे इतना अच्छा समझ रहे हैं मुझे हर वक्त ये डर लगता है कि आज तो अलग ही बहुत नाराज होंगे कि बहुत लोगों में वाह वाह कर ली और आपके तो सारे वीकनेसेस हैं सो so, ये इंसाइटफुलनेस इंपॉर्टेंट uh, है लोग इसको हम्बलनेस कहते हैं मैं इसको सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस कहती आई आई एम एम नॉट अवेयर सो बिल्कुल ऐसा होता है और इंसान मजमु ही नाकामियों और कामयाबियों का है अच्छा ये बताएं आप अभी पाकिस्तान के ट्रिप पे आई और शायद आप नॉर्दर्न एरियाज भी गई क्या आपको चीज़ खेंच लाई के सिडनी और ऑस्ट्रेलिया की मुख्तलिफ जगह और कैनेडा की न्यागरा फॉल्स और ये सारी जगह उसके बाद भी आप जब पाकिस्तान हो तो आपने कुछ दिन निकाले कि आप वहाँ गई और क्या आपको डिफरेंस लगा वहाँ पे अच्छा एक बात बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया वाले मुझसे नाराज़ नहीं हो ओके okay. <laughs> लेकिन पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है ऑस्ट्रेलिया के और कनाडा वाले बहुत खूबसूरत है कनाडा में मैं गैलगरी में रही हूँ वहाँ वो बहुत खूबसूरत है मुझे मुझे वो बहुत उसके ग्लेशियर सब कुछ लाने की वजह जो है मैं बिल्कुल प्योर अपने बच्चों के लिए आई हूँ इस दफ़ा ठीक है पाकिस्तान दिखाने के लिए पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मिलवाना पाकिस्तान के इन्वायरमेंट तो मैं इनको दिखाने के लिए लाई हूँ कि ये हमारे पास भी है ये देखो ये ग्लेशियर्स है और चूंकि की बातें मैं शुरू से करती रहती थी तो वो कहते थे हम सुनते थे मगर हाँ। हमें पता नहीं था मतलब वो छोटे में आए हैं लेकिन टीन का आना और बचपन का बहुत फर्क होता है तो अब हमें पता चला कि दीज आर रियल ये बातें नहीं है ये बातें नहीं है वाह उसका ग्लेशियर और आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ कि हम एक रत्ती गली गए जो कि दुनिया की शायद वर्स रोड को रोड्स भी नहीं कहते थे देर इज़ नो सच थिंग एज रोड्स क्योंकि जो टूटी हुई रोड थी उसको वो कह रहा था कि हाईवे वे और मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा वहाँ पे मज़ा आया तो अच्छा। पे बड़े कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे वो कह रहे थे हम दोबारा आएंगे और सिमिलर जो क्योंकि बच्चा देखे एडवेंचरस है उसके अंदर एडवेंचर है तो एक तो ये दिखाना था कि देखो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं फिर कल्चर दिखाना था मेहमान नवाजी दिखानी थी लोगों के साथ बात करना दिखाना था फिर ये दिखाना था कि ये जो मुश्किल है इसको हल कौन करेगा hmm. तुम और मैं कह मैं अपने बच्चों से पूछ रही हूँ कि तुम जब जाओगे तो मुझे एक बात बता के जाओगे तुमने क्या करना है पाकिस्तान के लिए मैंने क्या करना है एक और इसके अंदर पॉजिटिव मैं पाँच बच्चों को लाहौर म्यूजियम लेकर गई मैं लाहौर मैंने चीज़ें दिखाई तो मेरे बेटे और मैं हम ये समझते हैं मैं फिर ये बच्चों माँ बाप को हम जो बोलते रहते हैं बच्चे नहीं सुनना चाहते आई एम द लेक्चरिंग मोम बाई द वे और डिस्कशन मॉम लेकिन मेरे बेटे वहाँ पे उस जगह पे सबसे ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे जहाँ कोई पाकिस्तानी मुझे नज़र नहीं आया वो तहरीक पाकिस्तान की गैलरी थी कैन यू अमेजन माई किस वे स्टैंडिंग दे और मेरे बेटे ने कहा कि दिस कायद आजम और मेरे बेटे ने दूसरे ने कहा कि मैंने कभी इकबाल को नहीं देखा था क्योंकि माँ इतनी ही बातें करती है इकबाल की तो और उसके बाद मेरे बच्चे ना कंपेयर करें तो मेरे बड़ा वाला बेटा है कि तुम सोचो सर मैकडोनल्ड जो था कनाडा का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी ये तो कायदे आज़म थे सो ये बातें वो अपने मुंह से कर रहे थे और उसके बाद वो सर्च करने शुरू हुए और पढ़ने शुरू हुए सो ज़्यादा बातें ये थी जो दिखाने की और ये दिखाने की कि हम बहुत प्रेवलेज समझते हैं अपने आप को सो अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है तो तुम ठीक करने के लिए तुमने क्या करना है अल्लाह करे कि वो कुछ करें और वाकई में कुछ पॉजिटिव करके जाए अच्छा डॉक्टर साहब ये जो लोग पाकिस्तान से बाहर होते हैं उनका ज़्यादातर की ख्वाहिश तो ये होती है कि वो वापस आएं उसमें से कुछ परसेंट वापस आती है लेकिन शायद वो भी कंपेटेबल नहीं होती तो उन लोगों को आप कैसे देखती हैं कि जो बेचारे एक गिल्ट लिए हुए वहाँ पर भी हैं कि यार हमें तो वापस जाना था हम तो दो साल का सोच के आए थे हम तो पाँच साल का सोच के आए थे अब हम वापस जा रहे हैं तो हमारे लिए यही है प्रॉब्लम्स हैं तो वो किस तरह मैनेज करें इस चीज़ को यही वो काम है जो हम वहाँ करने की कोशिश करते हैं देखिए हम ना पाकिस्तानी होने से पहले मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद के साथ पैदा किया है और वो मकसद ये कि आप जहाँ जिस हालात में रहें उसी को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अल्लाह ताला ने आपको जहाँ रखा है किसी वजह से रखा है वहाँ पर ज़रूरत होगी आपकी तो हम ये कहते हैं कि अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो गिल्ट से तो बाहर नहीं गिल्ट इज़ डजन हेल्प ठीक है सो तो आप वहाँ पर उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए मस्बत काम करने की कोशिश कीजिए तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं उन्होंने मसाजिद बनाई हैं मसाजिद को उन्होंने कल्चरल और कम्युनिटी सेंटर्स में बनाया है, है।, है।, है। फिर वो यूथ के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं जैसे बाप हैं तो वो वहाँ पर फिर बच्चों के साथ लगते हैं वा हैं तो एक ये होता है कि जैसे अकबाल कहते हैं ना कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मग़रब ने।, ने तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर इस्लाम का अहमियत नहीं देते थे वहाँ पे जाके उनको पता लगा कि अगर ये तो मेरी पहली आइडेंटिटी थी और ये तो वो वहाँ जाके बहुत क्लोज हुए हैं कुरान के सर्कल्स वहाँ बहुत हैं माशाल्लाह और खवतान ऐसी ऐसी खवतियाँ इन्वेस्ट करी हैं जो पाकिस्तान में जो जानती भी नहीं थी इसी तरह बच्चों के साथ बैठा है। मदर डॉटर कैम्प होते हैं फादर ब्रदर सन कैंप्स होते हैं वहाँ पर आ, तो ये सारे हेल्दी चीज़ें हैं जो वो करने की कोशिश करते हैं और जो अहम बात है मुसलमान होने के नाते देखिए वहाँ के लोगों तक इस्लाम की बात कौन पहुँचाएगा और आपको ये बात पता है ऐसी रहते तय्यबा सल्ला व्ल् से कि आप सकरीरों से कुछ नहीं होता आपके किरदार से पता लगता है ये उस वक्त तक नहीं होना था जब हम वहाँ रहते बसते नहीं, नहीं। जब हम वहाँ रहते बसते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं एक्सपोजर होता है तो उनको पता चलता है ये मुसलमान हैं सो so, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव काम होता है इसी तरह एक और बात जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी वो ये कि देखिए ये ज़मीन अल्लाह की है और ये रिसोर्स अल्लाह ने सारे इंसानों को दिए हुआ ये कि कुछ लोग एक ज़माने में उनको ताकत मिली उनके पास एजुकेशन थी उसके पास स्किल्स थी तो उन्होंने बड़ी चालाकी से भी और कुछ हुनरमंदी से भी दुनिया के जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल जगह थी उन पर कब्ज़ा कर लिया नॉर्थ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ये सब ले गए हम लोग सिर्फ इस वजह से अब रेजिडिटी की वजह से नहीं जाते कि कोई सा पेट्रियाटम अड़े आ गया लेकिन उन रिसोस पर तो सबका हिस्सा है ना So, अगर किसी को जाना है तो वो बग़ैर गिल्ड के जाए और पॉजिटिव सोच के साथ जाए कि मैंने कुछ करना है वो ज़रूर जाए एक बात और मैं ये कहती हूँ कि देखिए अल्लाह ताला के यहाँ उर्जो जवाल अल्लाह की सुन्नत है हुँ, हुँ. तो कुछ हमने हिंदुस्तान पे हज़ार साल हुकूमत की स्पेन पे फिर हमारी हरकतें ख़राब हो गई अल्लाह ने कहा कि आप जाइए दूसरों को ले आए अल्लाह ताला लेकिन हमारी रेजिलियंस थी हमारा स्ट्रेंथ था कि वो सौ सौ साल से ज़्यादा सौ साल से ज़्यादा नहीं ठहरे अठारह सौ सतावन में जंग आज़ादी हुई उन्नीस सौ सैंतालीस में पाकिस्तान बन गया ये हमारी पॉजिटिविटी थी हमारी क़वत थी लेकिन उन लोगों ने बहुत शर फैलाया दुनिया में तबाह किया लोगों को कौमों पर बंबावमेंट की कतल गारत गिरी की उनको अल्लाह ने नीचे लाना था और आप देखिए कि अल्लाह की चाल कि जो लोगों ने ये रिवर्स माइग्रेशन हुई है जो मुसलमान उनके मुल्कों में पहुँचे तो हम तलवारों के साथ नहीं पहुँचे hmm. हम लीगली पहुँचे हैं अपनी स्किल बेस पहुँचे हैं अपनी तालीम की बुनियाद पर पहुँचे हैं और हम हमें अगर कोई कहता है यू गो बैक होम तो हम ये कहते हैं कि देन यू मेक योर ओन डॉक्टर्स देन यू मेक योर ओन इंजीनियर्स वाई डू यू नीड अस सो जहाँ रहें चिन्ह उठा के रहें जैसे मैंने अपने बच्चों को बताया तुम कभी मत समझना कि हम तुम उनके टुकड़ों तो तुम हमारे तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें खुद कमा के खिलाते हैं हम टैक्स देते हैं हम इतना कमाते हैं कि हम टैक्स दे दें आप जहाँ रहें अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ पूरे अतम से रहिए अल्लाह ताला ने कहा कि मुसलमानों यहाँ आओ ये तुम्हारा भी है ये पहाड़ ये दरिया ये रिसोर्स क्यों कुछ लोगों को रहने दिया जाए सो so उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ते हैं लेकिन सेल्फिशनेस से बाहर आए जो है वो सिर्फ मेरा नहीं है वो मत मुसलिम का भी है वो दूसरे लोगों के लिए भी दूसरी कम्यूनिटी के लिए भी है तो पॉजिटिव एटीट्यूड हर चीज़ में ज़रूरी है वहाँ रहने के लिए भी अच्छा ओवरसीज़ पाकिस्तानी आ, पाकिस्तान पैसे भिजवाने के अलावा पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं बहुत अहम सवाल है आ, मैं अपने हस्बैंड को कोट करूंगी क्योंकि वो इंजीनियर हैं और वो इस बारे में बहुत चीज़ों को देखते हैं और तो बताते हैं वो ये कहते हैं कि हमें एसओपीज लेकर आने चाहिए सिस्टम लेकर आना चाहिए टेक्नोलॉजी को क्योंकि हमारे पास शायद क्रूड में बहुत कुछ है लेकिन जैसे ब्रिजेज़ उल्टे सीधे बनाएँ तो क्या मैं वैसे ये सवाल है मुझे नहीं पता इसका जवाब तो आप लोग देंगे कि क्या हमारे पास वो इंजीनियर्स नहीं हैं जिनको इस तरह बनाते हैं गाड़ी पार्क इस तरह होती है hmm. ब्रिज यहाँ से यहाँ उतारते हैं ये किस तरह या अगर हॉस्पिटल का सिस्टम है वो कैसे चलाना है या उसको कंप्यूटराइज कैसे करना है लोगों को किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कैसे करना है सफ़ाई का सिस्टम कैसे लाना है एक तो करप्शन बहुत बड़ी वजह है hmm. मैं इसको बिल्कुल ना सिर्फ एक अंडस्टिमेट नहीं करूँगी बल्कि मैं समझती ये हूँ कि बैड गवर्नेंस बहुत बड़ी वजह लेकिन क्या हमारे पास इन चीज़ों की कमी है सो जो लोग बाहर से आए हैं वो ये सब पीज लाएँ हैं कि चीज़ों को ऐसे बनाना है ऐसी चीज़ें सिस्टम को ठीक करने के लिए अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश करें अच्छा एक और चीज़ के आप क्योंकि कनाडा ऑस्ट्रेलिया रही हैं लेकिन बहुत सारी पब्लिक हमारी इन कंट्रीज़ में जो कि इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है जर्मनी फिनलैंड ये सारी जो समझेंगे जगह है यहाँ पर वो लोग जाते हैं तो क्या आपकी क्या इंसाइट है कि वहाँ के, के माहौल में और जहाँ पर हम ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं मतलब जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा पब्लिक है ऑस्ट्रेलिया कैनेडा यू एस यू के क्या uh, वहाँ के वहाँ पे एडजस्ट होने में कुछ अलग एस ओ पीज़ हैं अलग अलग चीज़ें हैं या वो भी वैसी हैं जैसे बाकी कंट्रीज हैं मैं समझती हूँ कि जैसे यू है और यू है तो इनफ्लक्स से बहुत ज़्यादा फ़र्क़ पड़ता है यानी यूके में मुसलमान उस वक्त पहुंचा था जब अंग्रेज़ हमारे पास आए थे ठीक है तो वहाँ पर वो जनरेशन सोसाइटी मुसलमानों की डेवलप होना शुरू हो गई थी सौ साल पहले इसी तरह यू में साठ साल पचास साल पहले बल्कि शायद सत्तर साल पहले पाकिस्तान बनने के फ़ौन बाद सोसाइटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई थी इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है कैनाडा में आप टोरंटो चले जाएं आपको ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान आ गए हैं अच्छा। बाज इलाकों को लोग कहते हैं ये मुल्तान हैं बाज इलाकों को लोग थॉन क्लिफ शरीफ कहते हैं इस्लामी जमूरियत थॉन क्लिफ कहते अच्छा। हैं टोरंटो में इसी तरह हमारा सिडनी को लेक शरीफ कहा जाता है एक जगह है जहाँ पर आप वो ये ऐसे पॉकेट्स मुसलमानों ने बनाए हैं कि यहाँ पे आपको ऐसा शलवार कमीज और खाने और वो सारे माहौल आपको बिल्कुल मिलेंगे तो फ़र्क शायद ये है कि जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा तादाद में ऑबवियसली उनका जो सोसाइटी का जो सिस्टम है उन्होंने इसको स्ट्रांग बना लिया है अब पब्लिक स्कूल बच्चे को भेजें नाइन्टी नाइन परसेंट मुसलमान बच्चे आ रहे हैं अब बाज़ारों में मुसलमान औरतें हैं आपको उर्दू बोल रहे हैं अरबी बोल रहे हैं तो शायद वहाँ जाके मुसलमान रहना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि उनको इतना कल्चरल डिफरेंस फील नहीं करना पड़ता वर्सेस आप कुछ ऐसे जगहों पर जाते हैं जैसे मैं कैलगरी में रही हूँ तो वहाँ पर वो वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट है और डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा अडेप्ट करना पड़ता है लेकिन इसके बावजूद ऑन अ पॉजिटिव नोट मुसलमानों ने बहुत काम भी किया है चीज़ों को बनाने में मेरे ख्याल में मुसलमानों को मुसलमान औरत का बहुत काम है यानी जब मैं काम करती थी तो मुझसे लोगों ने ये भी पूछा कि ये क्या चीज़ है कैन यू अमेजन हम समझते हैं उनको सब पता है उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है या उन्होंने कहा कि ओ माई अ डॉक्टर मगर तो मैं हंस के कहती हूँ कि आपको तो ये पता है कि हम स्कूल जाती हैं तो हमें गोली मार दी जाती है Hmm. जो मलाला का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर ये सब स्टीरियो टाइपिंग होती है ये सब मार्केटिंग है मुसलमान औरत की तो लेकिन हम यहाँ पर हैं और हम पढ़े लिखे भी हैं और हम काम भी करते हैं और अपने घरों को भी देखते हैं सो so वो जो पॉजिटिव इंटरेक्शन है उससे फ़र्क पड़ा है वहाँ पर hmm. और अब मुसलमानों को हलाल खाने के लिए मुश्किल उस तरह नहीं होती आ, फास्टिंग का लोगों को पता है और इसमें मज़ेदार बात है कि सिखों को भी लोग मुसलमान समझ के कहते हैं आपने रोज़ा नहीं रखा तो इस तरह की चीज़ें होती हैं अलहदुल्लह वही मैसेज मेरा एक ही है चाहे पाकिस्तान में रहें चाहे बाहर रहें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए आपने मेहनत हर जगह करनी है और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए और अपने सोसाइटी का एक यूज़फुल फ़र्द बनने के लिए अच्छा नाइन एलेवन के बाद काफ़ी चेंजेस यह आए कि लोगों ने वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा थोड़ा मतलब ये मसला है तो छुपाना शुरू किया आपको पिछले जितने साल आप बाहर रहें कभी इस्लामोफोबिक या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप गुजरी हों और आपके साथ बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ नाइन अलेवन के बाद बहुत बड़ा चेंज आया था मैं उस उसकानी थी मैं यंग थी यहीं पढ़ी थी लेकिन मेरे हस्बैंड थे तो बहुत चेंज आया लोगों ने ना अपने नाम बदल दिए वहाँ पे लोगों के नाम डेविड पीटर होते हैं और वो वाली जनरेशन के नाम इसी तरह बहुत सारी चीज़ें लोगों ने मसाजद अच्छा नाइन एलेवन के बाद काफ़ी अर्सा बल्कि टू थाउजेंड में मेरा एक मसाजिद में ऐसी ऐसी चीज़ें प्लांट हुई ख़तरनाक टेररिज्म और ये सारी चीज़ें इतनी कि लोग मस्जिद से डिसकनेक्ट हुए तो ये बहुत अर्सा रहा है रहा है, है। खासतौर पर यू एस कैनाडा में तो बहुत ज़्यादा रहा ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि इस्लामोफोबिया के लिए बहुत मशहूर था लेकिन अल्लाह ताला अपना इंतज़ाम खुद करता है कि फिर एक, एक रिवर्स लेयर भी आई है लहर आई है और ख़वान ने अपना काम किया आपने बहुत सुना होगा मगरब में कि वेस्ट की बात और हिजाब की बात साथ आई हिजाब डे और कॉन्फिडेंस के साथ आना और आगे बढ़ना इसी तरह आपने शायद रिसेंट पिछले डेकेट्स में देखा होगा कि स्टैंड अप कमीडियंस आए हैं मुसलमान जिन्होंने उन चीज़ों को एड्रेस किया कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ मैं मैं नादिन नहीं हूँ जस्ट बिकॉज मेरी दाढ़ी है या मेरा नाम ये है तो मैं ये नहीं हूँ सो so, इन चीज़ों ने काउंटर किया है और अलहमद अब हमने रिस्पेक्ट को अर्न कर लिया अल्लाह का शुक्र है और अभी उस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते लेकिन वो कहते हैं कि साइलेंट और हिडन जो रेसिज्म है और डिस्क्रिमिनेशन है वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है वो सिस्टम्स में भी करती है लेकिन आ, इतनी ज़्यादा नहीं है कि लोग सिर्फ आपको इसलिए मना कर दें कि आप मुसलमान हैं बल्कि मुसलमान आपको बड़े उदों पर भी मिलेंगे और चीज़ों को भी कर रहे होंगे ती तौर पर मुझे जो औरत और मुसलमान औरत आ, होने की वजह से फ़र्क पड़ता है लोग जज भी करते हैं और लोग चलते फिरते जुमले भी उछालते हैं ये सब बातें भी की हैं लेकिन फिर आपका वही वाली बात है सेल्फ स्टिग्मा और सेल्फ आप कॉन्फिडेंस से रहिए तो लोग फिर मैं कहीं जाती हूँ तीन महीने मुझे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि डरते हैं मुझसे या नेगेटिव और तीन महीने के बाद मेरी तारीफ़ी करना शुरू करते हैं कि आपका अटायर तो बड़ा फैशनेबल है और आप तो कन्जर्व मतलब इस तरह भी इस तरह करती हैं तो मेरे ख्याल है कि ये चीज़ें हैं जो औरतों ने ख़ासतौर पर पॉजिटिव काम किया है वहाँ पर थैंक यू थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और मुझे इस पॉडकास्ट से एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि जो आपकी माशाल्लाह फेसबुक पे फॉलोइंग है वो किसी वजह से है और आप आप काफ़ी इनसाइटफुल बातें भी करती हैं और उससे ज़्यादा हो रही हैं जो आपकी लंबी लंबी पोस्टें होती हैं उससे ज़्यादा मज़े की बात मेरे ख्याल में पॉडकास्ट में लगी तो मेरी एक सजेशन है कि आप पॉडकास्ट और भी इस तरह के कंडक्ट करें ताकि आपके ख्याल और लोगों तक ज़्यादा तेज़ी से पहुँचे थैंक नहीं कहूँगी शायद थैंक्स टू यू एज वेल के आपने बहुत ही ऑन पॉइंट क्वेश्चन किए हैं जी। और हमने कोशिश की है कि कैंडेड और नेचुरल होकर बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू वेरी मच ज़रूर बताइएगा कैसा लगा पॉडकास्ट कोई भी सवाल हो तो डॉक्टर साहिबा से आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं मुझे भी इनबॉक्स कर सकते हैं इन अगर वो बेहतर समझेंगी तो उसका जवाब भी देंगी थैंक यू वेरी मच